और मेरे फूडी कैसे हो आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हनी चिली पटेटो की रेसिपी, वो भी अपने वाले स्टाइल में, काफी इजी और झटपट से बनने वाली। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, हम डेली सुबह 9 बजे आपके लिए ऐसी मजेदार रेसिपी लाते रहते हैं। तो मैं हूँ अभिषेक, आप जैसी चीज ही, लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच शहद, 1 चम्मच तिल, 1 बड़ा चम्मच लहसुन जिसको हमने बारीक काट लिया था, 1 लंबा कटा हुआ प्याज और 4 से 5 आलू। तो चलिए सबसे पहले आलू को हम काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आलू को लंबा लंबा काटा है, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं ना सेम वैसे ही हमने आलू को लंबा लंबा काटना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो चलिए अब आलू को हम बॉईल कर लेते हैं। हमने एक पतीले में आलू डाल लिए हैं और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। आपने देखा होगा मैंने बिना पानी के ही आलू डाले हैं, तो हम इसमें फ्रेश पानी डालेंगे। अब हम इनको 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे उबलने देंगे। हमें इनको बिल्कुल गलाना नहीं है, बस जो आलू का स्टार्च होता है वो निकालेंगे। और आप ध्यान रखना कि आलू ज़्यादा नहीं गल जाए, नहीं तो वो बीच में से टूट जाएंगे और फिर हमारे चिली पटेटो तो अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलिए फटाफट से हम आलू उबाल लेते हैं। तो ये देखिए आलू हमारे उबल गए हैं, देखा आपने, ना ज़्यादा गले हैं और ना ज़्यादा कच्चे हैं, मीडियम ही रखने हैं आपको भी। तो चलिए अब हम आलू पे फर्स्ट कोटिंग करेंगे, ड्राई कोटिंग। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मैदा लिया है और उसको हमने डाल दिया है और हम हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। आलू टूटने नहीं चाहिए बिल्कुल भी, इस बात का ध्यान रखना है, हमने हल्के हाथ से इनको मिक्स करना है। वही देखिए कोटिंग हमारी तैयार है। अब चलिए फटाफट से आलू को फ्राई करते हैं। तो हमने हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करना है ताकि ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी रहें, बिल्कुल गोल्डन होने तक इनको हम फ्राई करेंगे। और ये देखिए आलू हमारे बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल क्रिस्पी और हल्के हो चुके हैं। तो आप देखो सेम ऐसे ही आपको करने हैं। तो हम इनको कढ़ाई से निकाल लेंगे और फिर हम अपनी सॉस की तरफ चलते हैं। तो हमने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, 4 से 5 लंबी कटी हुई हरी मिर्च। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए इनको भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तिल और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे, कच्चा फ्लेवर नहीं रहना चाहिए तिल का। तो आप ये देखिए हमारी तीनों चीज़ अच्छे से भून चुकी हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा सा कटा हुआ प्याज, प्याज हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालना, मैंने भी एक छोटा सा प्याज लिया है और बाकी वो आप टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस, उसके बाद हम इसको अच्छे से हिला लेंगे, सोया सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस फ्लेवर्स को मेंटेन करने के लिए। और हम इसमें आधी कटोरी पानी ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से हिला लेंगे एक उबाला आने तक, मीडियम गैस पे सॉसेस डाली हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। तो पानी में हमारा उबाला आ गया है। अब हमें करना क्या है, आधी चम्मच अरारोट लेना है, उसको थोड़े से पानी में घोल लेंगे और अपनी ग्रेवी में डाल लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। और आप देखना अरारोट डालते कैसा चेंज आता है ग्रेवी में, कितना अच्छा टेक्सचर आ जाएगा इसका। आप देखिए मिक्स करते करते ही कितनी गाढ़ी हो गई हमारी ग्रेवी। अब हम इसमें जल्दी से डाल देंगे 1 चम्मच हनी। अब हनी चिली पटेटो बना रहे हैं तो हनी तो बनता ही है, तो एक बड़ा चम्मच हम हनी का डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी सॉस बनकर तैयार है। तो हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक आपने ध्यान से डालना क्योंकि हमने आलू को उबलते में भी नमक डाला था। और थोड़ा इसको स्पाइसी बनाने के लिए 1/2 चम्मच डालेंगे काली मिर्च, चुटकी भर लाल मिर्च और बस सॉस हमारी बनकर तैयार है। हम इसमें अपने आलू ऐड करेंगे। ये देखिए आलू हमारे आ चुके हैं, कितने क्रिस्पी लग रहे हैं आप लोग देख ही सकते हैं। तो अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारी सॉस में। तो गाइस हमारे अब होममेड हनी चिली पटेटोस बनके तैयार हैं और आप खुद देख सकते हो कितने टेस्टी लग रहे हैं। हम चलिए फटाफट से इनके हम प्लेटिंग करते हैं। तो देखा आपने कितना इजी होता है हनी चिली पटेटो घर पर बनाना।
आप देख सकते हो कितनी अच्छी कोटिंग हुई है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी रेसिपी घर पे बना सकते हो, इजी, टेस्टी, क्रिस्पी, झटपट से बनने वाली। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम डेली सुबह 9 बजे आपके लिए ऐसी मज़ेदार रेसिपीज लेके आते रहते हैं।